वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि सास बहू में सामंजस्य बना के कैसे रखें, इनके रिश्ते को नॉर्मल कैसे रखें। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट, कुछ बातें आपको बताऊंगी, जिसको अमल करने से ये रिश्ते बहुत नॉर्मल हो रहेगा और घर का भी माहौल खुशनुमा रहेगा। तो आप सोचिए, जैसे ये दोनों दो जंगल के शेर हैं, जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरह सास बहू। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब ये है कि वो भी किसी घर की प्रिंसेस है और आपका भी घर का पूरा सारा घर का निजाम, घर का देखभाल सब वो जस्ट लाइक प्रिंसेस की तरह आप भी कर रही हैं। तो सास भी कर रही है, बहू भी कहीं से आई हुई है, तो दोनों दोनों अपने अधिकार के लिए, आधिपत्य के लिए इसमें लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होने का कारण है कि दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र का के बारे में पता नहीं। सास पुराने जमाने की सास के तरह अगर सोचना उनको पड़ता है तो बहुत गलत है। जमाना चेंज हो गया, समय चेंज हो गया है। पहले 15 साल 16 साल की लड़कियां का शादी होता था, वो पढ़ी लिखी भी नहीं रहती थी। अब ससुराल तो आ जाती थी, उनको कुछ पता नहीं रहता था, तो सास जैसे बोलती थी उसको वैसे ही करना पड़ता था। सास ससुर, पैर दबाना, खाना बनाना, वो सब बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, उसका खुद का अधिकार का कोई मतलब नहीं था। और अधिकार तब मिलता था जब उनका उम्र चला जाता था। तो वो आजकल और पहले का और अभी का बहुत समय हो गया, चेंज हो गया। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छी है, और क्या, सभी जानकारी उनको होता है, अच्छा बुरा का भी तमीज होता है। तो इसीलिए सास को भी चेंज होने का जरूरत है कि उन्हें भी वो पुराने समय से कंपेयर नहीं करें कि वो पहले के समय मैं करती थी, तुम आज नहीं कर रही हो, मैं पहले सास का पांव दबाती थी, आज आप नहीं मेरा दबा रही हो। वो सब उम्मीद, एक्सपेक्टेशन आप छोड़ दें, तभी आपका और आपकी बहू का नॉर्मल सामान्य रिश्ते होंगे। नॉर्मल नहीं रहने के कारण घर में ससुर मतलब फादर और बेटे दोनों को पीसना पड़ता है, और अगर बच्चे छोटे रहते हैं तो उस पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए सास और बहू दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र को समझ लें और तभी घर का माहौल खुशनुमा होगा और नॉर्मल रिश्ते सभी होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि सास, 5-7 मैं पॉइंट बता रही हूँ जिसके कारण सामान्य ये रिश्ते सामान्य होने की संभावना है मेरे विचार से। एक तो रसोई में आपस में आप लोग तालमेल बिठाएं। रसोई में अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली सही हैं तो आप किसी कुक को रख सकती हैं, अगर फाइनेंशियली आप वीक हैं तो आप भी थोड़ा, या गांव के हैं, हर जगह सास बहू का तो गांव से शहर हर जगह, तो हर जगह के रिश्ते के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर गांव में है तो सास भी थोड़ा हेल्प कर लें, सब्जियां काट दें, बच्चों को थोड़ा देखभाल कर लें, तो बहू को भी थोड़ा आराम मिलेगा, वो भी तो कोई मशीन नहीं है जो काम करती रहेंगी। तो सास को भी हेल्प करना चाहिए, साथ में उससे बात करने का जो लहजा है बहुत नर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी लाडली है, किसी की घर से आई हुई है, उसको भी प्यार मोहब्बत चाहिए। प्यार मोहब्बत अगर आप देंगी तो आपके घर को अपनाने में उसको समय नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। और इस तरह अगर आपका व्यवहार उनके साथ रूखा रहेगा तो कभी भी जिंदगी में आपके घर को अपना नहीं समझ सकेंगी। आपके घर को तो समझेंगी, आपके बेटे को समझेंगी, बट आपको नहीं समझ सकेंगी। इसीलिए इस दुराव को कम करने के लिए बेहतर है कि आप रसोई में उनको हेल्प करें, आप उनको रोक टोक ज़्यादा नहीं करें। वो भी एडल्ट है, आजकल 18 साल से ज़्यादा उम्र में लड़कियों की शादी होती है, तो अच्छे बुरे की तमीज़ है, आप ज़्यादा उनको रोक टोक नहीं करें।
तीसरा है कि आप जो है अपने बेटे पर, आपने बच्चों बच्चे का शादी कर दिया, आप अपने बेटे को और बहू को थोड़ा लिबर्टी दें, आप उसको फ्रीडम दें ताकि वो अपने लाइफ में एडजस्ट कर सके। चौथा फोर्थ है, अगर उनको बच्चे रहते हैं होते हैं या बच्चे पोता पोती आपका होता है तो बच्चों को कैसे रखना चाहिए वो आपसे ज़्यादा आपकी बहू को पता है, क्योंकि आज के समय की वो है। तो बच्चे को मैंने तो ऐसे पाला, मैंने तो वैसे पाला, बच्चों को ऐसे रखा, वो सब एग्जाम्पल नहीं है किसी का। आप उन पे छोड़ दें, उनका बच्चा है, आपने अपने बच्चों को पाल लिया, अब उनका बच्चा है, उनका वक्त है, वो अपने बच्चों को पालेंगे। आप लाड़ करें, प्यार करें, उनको गोदी खिलाएं अगर छोटा है तो, बड़ा है तो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, अच्छे ज्ञान दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी बच्चे के बारे में आप रोक टोक नहीं करें। दूसरा बात है आर्थिक रूप से, अगर आर्थिक रूप से आप सामर्थ हैं तो अपना खर्चा खुद उठाएं, अगर आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हैं तो अपना खर्च को थोड़ा आप सीमित कर लें। अगर किसी रिश्तेदार को कुछ करना है तो आप सोच, आप ये बोलें उनको, अच्छा ठीक है, देखता हूँ कि बच्चे का क्या राय है, बच्चे का क्या सलाह है। उसको सीधा नहीं बोलें कि मैं मदद करता करूँगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो बच्चों का भी कुछ मजबूरी होगा कि हो सकता है उनका और कहीं उनको कुछ करना हो, आर्थिक रूप से उनको और कुछ काम हो, कहीं उनको देना हो, कुछ लेना हो, बच्चों को स्कूल का फी देना है, बहुत टाइप का खर्च होता है। तो इसीलिए आप जो है पहले बच्चे से पूछ लें, बहू से पूछ लें कि ऐसे ऐसे इनको देना है, तुम्हारा क्या ख्याल है। आपस में सामंजस्य बना के रखें, और आपस में सामंजस्य बनाने से घर का माहौल अच्छा रहेगा और आपका तालमेल भी अच्छा रहेगा। और कभी चेंज के लिए आप पूरा फैमिली बाहर घूमने जाएं, जिससे थोड़ा चेंज हो जाता है घर का माहौल, घर का टेंशन नहीं रहता है, चिंता नहीं रहता है। अगर आपके पोता पोती हैं तो उसको भी, उसका भी चेंज हो जाएगा, दादा दादी के साथ घूमना, मम्मी पापा के साथ घूमना। तो बहू जो है, बहू को आप बेटी समझें, बेटी की तरह प्यार करें, वो दूसरे घर से आपके घर में आई हुई है तो उसको उस तरह अगर लाड़ करेंगे तो आपको भी माँ समझेंगे। माँ नहीं समझ सकती है, बट सास भी माँ होती है। आपके घर में ज़्यादातर ये नहीं सोचें कि वो रिश्तेदार है, वो आपके यहाँ परमानेंट आई हुई है, तो उसको उस तरह आप अपने तरह वेलकम करें उसको, तो आपका और बहू का रिश्ता बहुत नॉर्मल रहेगा, प्यार भरा रहेगा, और पूरा फैमिली परिवार, आप ये सोचिए स्त्री लेडीज ही पूरे घर को बनाती है, तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप घर को कितना खुशनुमा बना रहे हैं। अगर बहू जॉब करती है या बहू गांव में खेतों में जाती है तो आप जो है बच्चों का देखभाल करें, उनके बच्चों का खाना में सहयोग करें। अगर वो 8 घंटा जॉब करती है तो आप कहीं से, अगर फाइनेंशियली रूप से आप सक्षम हैं तो आप थोड़ा खाना में भी कुक लगा सकते हैं, या काम वाली के सहारे आप थोड़ा हेल्प करके खाना करो, ताकि वो 8 घंटा के बाद घर लौटे तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं रहे। तो उस तरह, या गांव में खेतों में जो बहुएं काम करती है, या घर में छोटे छोटे 2 बच्चे जिन बहू को है तो आप एक बड़े बच्चे को देख सकते हैं। तो इस तरह करके आपसी सामंजस्य में, आपका कोई अधिकार क्षेत्र कोई नहीं छीन रहा है, आपके हस्बैंड हैं, आपके बेटे हैं, वो बहू है, आपके पोता पोती है, आपने तो शादी किया, या बच्चे आजकल खुद शादी भी कर रहे हैं तो अच्छा है, उसको वेलकम कीजिए, बहू को बेटी बनाइए, जिसके कारण आपका प्यार बना रहेगा और घर भी सही रहेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपका भी ओल्ड एज में ज़रूरत है प्यार का, तो वो आप प्यार अगर किसी को देंगे तो बदले में आपको प्यार मिलेगा। बेटे तो अपने हैं आपके।